ओके 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 क्या बैकग्राउंड पूरा अपना नाम करके अपना नाम और करके इसमें क्या क्या रोल कर क्या रोल रोल है मैम यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और किस तरह का रोल प्ले कर रही है आप इस मूवी में इसके बारे में थोड़ा बताइए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज संस्कृति जैन एंड माय बैकग्राउंड इज आई हैव डन थिएटर्स प्लेस फ्रॉम स्कूल आफ्टर कॉलेज लाइक पॉपुलरली नोन एज पृथ्वी थिएटर NCPA इन मुंबई एंड श्री राम सेंटर कमानी ऑडिटोरियम इन दिल्ली इश्क किस तरह की मूवी है मूवी के बारे में थोड़ा बताइए इश्क लिख जैसे आपको पता ही इट इज़ नो डाउट इट इज़ एन एरोटिक मूवी बट उससे भी कुछ कहीं कुछ ज़्यादा इसकी स्टोरी लाइन है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत क्रिस्प है ऐसा इधर उधर कुछ नहीं है स्टोरी लाइन में बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोरी है और इट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरी ओके किस तरह का किरदार प्ले कर रही है आप इस मूवी में अपने रोल के बारे में बताइए आई एम प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल अध्ययन सुमन की वाइफ का कैरेक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जैसे वी डोंट गेट टू सी नाउ डेज यू नो जो अपने हक के लिए खड़ी होती है अन्याय के लिए लड़ती है कोच कचहरी जाती है जो उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सहती नहीं है हमेशा आगे उठ के बोलती है आगे आके बोलती है अपने अपने लिए प्रोटेस्ट करती है आपका देखा जाए तो टफ रोल है देखा जाए तो फिर तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरी वर्कशॉप्स हुई थी इसके लिए 15-20 दिन के लिए वर्कशॉप हुई फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के बहुत सारे आइडियाज थे तो वो मुझे बोलते थे आप वीडियो रिकॉर्ड करो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करो 3-4 तरीके से उसमें वेरिएशंस होने चाहिए मूड्स होने चाहिए 3-4 तरह के वीडियोज रिकॉर्ड करो फिर मैं ये सब वीडियो रिकॉर्ड्स करती थी फिर मैं डायरेक्टर साहब को दिखाती थी तो फिर वो मुझे जज करके बताते थे कि ये सही है ये गलत है आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो तो ऐसे स्लोली ग्रेजुअली मैं रोल के लिए मुझे प्रिपेयर किया तो इसी तरह बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई ऐसे सिर्फ ये 15-20 दिन का नहीं था ये 3-4 महीने का ये ड्यूरेशन था ओके ये मूवी मिली कैसे आपको इसका थोड़ा बताएंगे ये क्या ऑडिशन थे क्या डेफिनेटली ऑडिशन भी था लेकिन मैं एक दिल्ली में एक जगह प्ले में परफॉर्म कर रही थी मैं वहाँ पे तो उधर ही मुझे जो प्रोड्यूसर साहब है हमारे उन्होंने मुझे प्ले करते हुए देखा था तो लास्ट में जैसे हम जब रैप अप होता है तो हम लोग मिलते हैं सबसे जो भी फीडबैक लेते हैं तब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था तब उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक कोई भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं तो इनफैक्ट उनका कोई एक प्रोजेक्ट ये वाला स्टार्ट भी होने वाला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी दिल्ली आओ तो मुझे मिलो तो मैं उनसे मिली तो मेरा छोटा सा ऑडिशन हुआ फिर स्क्रीन टेस्ट हुए तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राउंड्स हुए तो मैंने क्लियर करके देन आई फाइनली ग्रैब दिस रोल ओके आप थिएटर भी कर चुकी है मैम और मूवीज में भी आई अभी तो कहाँ से ज़्यादा एंजॉय करती है थिएटर या मूवी में थिएटर तो मैं पहले भी करती थी और अभी भी करती हूँ और मूवी अभी मिली है अभी मैंने किया है तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज शूटिंग तो मूवी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा संस्कृति सवाल करें इसका और क्लिक की हाँ कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से और कितनी आशाएं अपेक्षाएं रखती हैं आप इस फिल्म से एक्चुअली आपका अगर फर्स्ट वेंचर होता है तो आपको एक नर्वसनेस तो होती है तो उसके साथ एक उम्मीद भी होती है एंड कमिंग फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड तो लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि थिएटर किया है तो यू नो कि शायद कुछ अच्छा होगा अच्छा परफॉर्म किया होगा तो एक इसीलिए एक उम्मीद भी एक आशा भी बन जाती है इसके साथ ही संस्कृति बात करें इस क्लिक की म्यूजिक के बारे में अगर बात करें तो शायद पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी तो आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का म्यूजिक है इस फिल्म में और कितने गाने हैं और किस प्रकार के गाने हैं ये सब गाने एक्चुअली इसमें एक आई थिंक पूरी वैरायटी है गाने की ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है और क्या है ना अगर कंपोजर एक ही है तो एक वो मूड को मेंटेन करके रखा है पूरे गाने में इसमें एक सैड सॉन्ग इट्स अ वेरी मेलोडियस म्यूजिक एक सैड सॉन्ग भी है हैप्पी सॉन्ग भी है रोमांटिक सॉन्ग भी है तो इट इज़ अ
पैक। संस्कृति बात करें फिल्म की पिक्चराइजेशन की, कहाँ कहाँ पे शूट हुआ और आपने कैसा फील किया वो सब करते हुए, क्या कैसा फील कर रहे थे? शूटिंग हमने मुंबई में किया, दार्जिलिंग में किया, सिलीगुड़ी में किया, दिल्ली में किया, नोएडा में किया, तो एंड द बेस्ट पार्ट वाज सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग। कितना एंजॉय किया वहाँ पे मैम? बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय भी किया। हार्डली 2-3 degrees टेम्परेचर भी होता था और हम लोग को स्वेटर भी नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है, तो बट इट वॉज फन वर्किंग। हाउ इज योर को-एक्टर्स, आपके को-एक्टर्स कैसे थे जिनके साथ आप काम किए? बहुत ही बढ़िया थे, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। ओवरऑल 22 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपकी फिल्म क्यों जाएं लोग दर्शक थिएटर में देखने के लिए, क्या ऐसा कुछ खास है इस फिल्म में? खास तो ये है कि लीक से हटकर है, और जैसे मैंने बोला लोग यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि लड़की कुछ स्टेप ले, लड़की कुछ आगे हटकर, लीक से हटकर कुछ यू नो किसी पे व्हाट शुड आई से, कुछ लीक से हटकर जैसे होता है कि अगर लड़की किसी पे केस करे या कोई अपने लिए स्टैंड ले, ऐसे मूवीज कम देखने को मिलती है कि लड़की स्टैंड ले किसी के खिलाफ, तो ये इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करती है, कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाती है, तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आ जाइए। किस प्रकार की फिल्म है, और जिस प्रकार से संगीत की बात करें तो आप इसमें म्यूजिक भी आपने दिया है, तो किस प्रकार का संगीत है, गाने किस प्रकार के हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इश्क क्लिक जो मूवी है ये म्यूजिकल लव स्टोरी मूवी है ये, और जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत इसमें बहुत ही मेलोडियस है। वाओ, देखो संगीत की बात भी, देखिए संगीत बजा, अलार्म था, फोन साइलेंट था। हाँ जी सॉरी। तो इस क्लिक की म्यूजिक की अगर शुरू से करो। हाँ सर, शुरू से करते हैं, शुरू से करें। रोल इस क्लिक एक रोमांटिक मूवी है, म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें तीन किरदार है हमारी फिल्म में, अध्ययन सुमन, सारा लॉरेन एंड संस्कृति जैन। तीनों के बीच की बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, और जब हर एक प्रेम कहानी में अगर संगीत अच्छा ना हो तो फिल्म बहुत ही अधूरी सी लगती है। तो मैं और सतीश जो हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म में और हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसमें अच्छा संगीत हो, और जो गाने अभी चैनल्स पर आ रहे हैं या सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं, वो गाने जो भी सुन रहा है वो बोला कि यार म्यूजिक आपका अच्छा है। स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया है इसे? किस तरीके से मतलब? स्टार कास्ट, अजय जी गानों की बात करें तो कितने गाने हैं इसमें, और गाने के बारे में किस प्रकार? इसमें 6 गाने हैं इसमें, और जो आप ऑडियो जो आप लेंगे उसमें आपको 12 ट्रैक मिलेंगे, तो हर एक गाने का हम लोगों ने अलग अलग वर्जन बनाया है, कोई लाउंज म्यूजिक है, कोई अनप्लग्ड है, तो बहुत अच्छे वेरिएशंस मुझे मिले हैं, और अलग अलग सिंगर से गवाने का यही मतलब है कि हर सिंगर का देखो अपना एक इनपुट होता है, अपना एक मूड होता है, तो सिंगर चाहता है कि वो कंपोजिशन में पूरी तरीके से डूब जाए, तो हम लोगों ने यही ट्राई किया कि कम से कम ऑडियंस के सामने अच्छी म्यूजिक हो, अच्छे सिंगर्स आएँ, और बहुत सारे जो नए सिंगर हैं वो भी मेरी फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। माधुरी जी आपसे 2 लाइन सुनना चाहेंगे, जो गाने हैं आपने जो आपके दिल के करीब हो इस फिल्म का, तो 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। अरे फ्रेम निकल जाएगा फिर, इन लोग का भी 2-2 पोस्टर। सर कर लो फटाफट, अध्ययन सारा है और आपका, उसको बोलो चिकन सैंडविच मंगाए, आधा घंटा बैठेगा चिकन सैंडविच। मेरे को मैं गा के निकल देता हूँ, फिर आप लोग करते रहिए, मैं दूसरा गाना गा के निकल देता हूँ। सब रोल हो रहा है सर। गाने की बात करें तो किस प्रकार का गाना है, और 2 लाइन आपसे गुनगुना के बता दें हमारे दर्शकों को अजय जी। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा
अरे भाई शांत हो जाओ, तुम लोग याद हो गए इसको प्राजक्ता यारोल। इस फिल्म में एक गाना है का देखूं, जिसे अविनाश और अनामिका ने गाया है और आपने भी गाया है? मैंने गाया है थोड़ा, मैंने भी गाया है, तो मैं ट्राई करता हूं कि जब सिंगर्स हैं तो इनके साथ मैं भी गुनगुना लेता हूं। जी सर। देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए, का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए, पून मुराने अमावस लागे, पून मुराने अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद प्यारे, का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए, पूनम रेन अमावस लागे, पल पल जी घबराए, का देखूं मैं चांद प्यारे तू जो नजर ना आए। माधुरी का ले लो, माधुरी का एक बाइट ले लो, मैं निकलता हूँ। कैरी ऑन जी रोल। माधुरी जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे फिल्म के बारे में? पूरे एंटायर एक मिनट स्टैंड चाहिए आपको, एक मिनट। क्लिक किस प्रकार की फिल्म है, आपका क्या किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी पांडे और इस बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म इश्क क्लिक में मेरा एक सोलो गाना है और गाना है अभी अजनबी थे अभी तो मिले हो। अगर वो दो लाइन गुनगुना के बता दें हमारे दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। तुम्हें खुद को सौंपा रिहा हो गई हूँ, इबादत के आगे फना हो गई हूँ, अभी अजनबी थे अभी तो मिले हैं, अभी आपके हम करीब आ गए हैं। अनामिका जी आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक के बारे में, किस प्रकार से आपका या इस फिल्म से क्या ये रहा और आपने कितने गाने गाए हैं इस फिल्म जी? में मैंने एक गाना गाया है का देखूं मैं चांद प्यारे, ये दो डुएट है, एक अजय जी के साथ में है, एक अविनाश जी के साथ में है, और अमानत अली का अनप्लग्ड है उसमें भी मेरी वॉइस है। तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेलोडियस है, सैड सॉन्ग है, और जिसे कहते हैं ना कि अगर सिंगर के मूड के हिसाब से अगर गाने मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता है, तो मेरा जो मूड है उसी हिसाब से मुझे गाना मिला और मैं संतुष्ट हूँ इस गाने को गा के। कितनी उम्मीद है इस क्लिक से, इस गाने से? गाने लोग पसंद कर रहे हैं और आशा है कि जब मूवी रिलीज होगी उसके बाद और भी लोग इसको पसंद करेंगे, गुनगुनाएंगे, ऐसा गाना है।